बता दें, घटना जिले के थाना कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र के हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन की है। यहां हिंद एयरफोर्स गाजियाबाद के रहने वाले सत्येंद्र सिंह तोमर का पुत्र छोटू उर्फ अंकित गाजियाबाद से हाथरस के थाना कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के ऊंचा गांव रसमई गांव में अपनी बुआ के घर पर घूमने के लिए आया हुआ था, जिसके बाद छोटू हाथरस जंक्शन स्टेशन पर फिरोजाबाद के सिकोहाबाद में रहने वाली अपनी दादी के घर जाने के लिए गोमती एक्सप्रेस ट्रेन का इंतजार कर रहा था। वहीं रेलवे स्टेशन पर गाजियाबाद से लखनऊ और लखनऊ से गाजियाबाद की तरफ जाने वाली गोमती एक्सप्रेस दोनों ट्रेन एक साथ आ गई, जिसकी वजह से छोटू गलती से गाजियाबाद की तरफ जाने वाली गोमती एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही ट्रेन गाजियाबाद की तरफ चलने लगी तो छोटू चलती हुई ट्रेन से उतरने लगा। पैर फिसलने से छोटू गोमती एक्सप्रेस ट्रेन के नीचे आ गया और हादसे में छोटू के दोनों पैर कट गए। थाना हाथरस जंक्शन जीआरपी पुलिस ने गंभीर हालत में घायल युवक छोटू को उपचार के लिए हाथरस अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने युवक को गंभीर हालत में अलीगढ़ मेडिकल के लिए रेफर कर दिया। छोटू कहाँ के रहने वाले हैं? गाजियाबाद। पिताजी का नाम क्या? सत्येंद्र सिंह तोमर। कहाँ जा रहे थे आप गोमती एक्सप्रेस से? मैं अपनी दादी के पास जा रहा था। कहाँ पर? सुकोबाद। सुकोबाद तो जंक्शन पे कैसे आप गिर गए एक साथ? जंक्शन में ऐसा गिरा, मेरे मतलब गाजियाबाद की ट्रेन आ रही थी तो मैं सोचा कि मतलब गाजियाबाद में मतलब मैं ट्रेन क्रॉस करके चले जाऊँ, इसलिए गिर गया। अच्छा, तो गाजियाबाद में कौन सी जगह रहते हैं आप? इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के पास।